हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ हिमाचल के बगीचे। ये देखिए आपके सामने जापानी फल लगे हुए हैं, इतने सारे, बहुत ही ज़्यादा जापानी फल। ये लगभग एक महीने बाद पकने वाले हैं। ये देखिए नींबू, नींबू का पौधा, इसमें बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे नींबू और चंदन की प्लांटेशन की है। ये ताज़ा प्लांटेशन है दोस्तों। इसके लिए लगभग 1.5 फीट से 2 फीट का खद्दा खोदना पड़ता है और थोड़ा सा खाद डाल के, देसी खाद डाल के इनको लगाया जाता है। मॉनसून का सीज़न सबसे बेस्ट होता है इस तरह की प्लांटेशन के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अभी 2-4 दिन में ही ये सारी प्लांटेशन की है तो। और ये देखिए नीचे ये मक्की लगाई हुई है। यहाँ पे मक्की को ट्रैक्टर से बीजा जाता है, फार्मिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसको, उसकी केयरिंग की जाती है, उसमें खाद वगैरह डाली जाती है। तो ये देखिए दोस्तों मक्की, ये हिमाचल के बगीचे हैं, इनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आज। देखिए सामने गन्ना, गन्ने की प्लांटेशन की हुई है। तो इस, ये लग गन्ना जो है नेक्स्ट ईयर फेब मार्च तक तैयार हो जाएगा। ये गन्ना बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होती है इसके लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है आम का पेड़। यहाँ इस बार आम का सीज़न जल्दी ख़त्म हो गया है और इस बार कम आम की फसल थी। ये देखिए, ये जंगलों में भांग के पौधे, आजकल लोग भांग का मेडिकल साइड में भी यूज़ होता है और ये इसका यूज़ भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए भी यूज हो जाता है और इससे घोटा भी बनाया जाता है जब हमारा शिवरात्रि का पर्व होता है। देखिए दोस्तों, ये है भांग। ये है दोस्तों गुलाब और इसके ऊपर है ये लीची का पौधा। ये यदि 10 दिन पहले देखते तो ये पूरा भरा हुआ था, रेड कलर की बहुत सारी लीचियाँ ऊपर ही पक गई थी। अभी लीचियों का सीज़न भी लगभग ख़त्म हो गया है। ये दोस्तों अरबी के पत्ते हैं, इससे पतोड़े बनाए जाते हैं हिमाचल में। और अरबी नीचे लगी होती है, वो जैन फैम में हम इसको निकालते हैं और इसको प्रिजर्व कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, मतलब नेक्स्ट 4-5 मंथ्स के लिए। ये देखो सामने, ये मौसमी है। मौसमी का पौधा लगभग हमने 60 रुपये में लिया था और ये लगभग 1 साल पहले लगाया था। अभी देख लीजिए 1 साल में इसकी कितनी ग्रोथ हो गई है और इसमें कितनी सारी मौसमियाँ लगी हुई हैं। ये एप्पल है दोस्तों, इस बार अभी इसमें लगे नहीं हैं एप्पल, एप्पल ऑर्चर्ड। ये देखिए बहुत ही शानदार एप्पल के पौधे। आम, ये जाती हुई फसल है आम की, लगभग आम ख़त्म ही हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा जो खाद है तैयार की हुई है, केचुआ खाद। ये लगभग 3 मंथ्स में तैयार हो जाती है पर हमने इसको लास्ट 6 मंथ से इकट्ठा कर रहे हैं तो ये हम नेक्स्ट जो भी हम फार्मिंग प्लांटेशन करेंगे उसमें इसका यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है गलगल। तो ये गलगल के पौधे बहुत ही बढ़िया गलगल लगे हुए हैं इसमें। ये भी लगभग 2 साल का है पौधा, पर देखिए कितने सारे इसमें गलगल लगे हुए हैं। ये देखिए आम, हमारे सामने आम लगा हुआ है, आम का पौधा। ये देखिए दोस्तों आमला लगा, ये आमले का पेड़। यहाँ आमले फेब मार्च तक तैयार हो जाते हैं इसमें लग के। ये हरी मिर्ची एंड देन अखरोट, सॉरी अनार एंड देन अगेन आमले का पौधा। और ये देखिए केला। देखिए दोस्तों, हमारे सामने इलायची केला लगा हुआ है। ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं जूम करके, इलायची केला यहाँ पे बहुत ही शानदार लगा हुआ है। एक गुच्छी में 6-7 दर्जन केले निकल जाते हैं। मार्केट में इलायची केला बहुत ही कॉस्टली मिलता है दोस्तों। और ये इस साइड हमारे पास गन्ने की खेती। ये देखिए दोस्तों, नाशपाती का पौधा, या नाशपतियाँ लगी हुई हैं, बाबू गोशा जिसको बोलते हैं मार्केट में, आजकल 80 रुपये किलो।
के हिसाब से मिल रहे हैं। इस बार तो कोई भी फ्रूट 80 रुपये से नीचे है ही नहीं, और सब्जी लेने जाओगे आप तो 60 रुपये से नीचे पर केजी कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है। ये देखिए अगेन अनार, देन नींबू, आइए हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, अदरक, एंड देन ये देखिए दोस्तों ये है चकोतरा खट्टा, ये भी गलगल का बड़ा भाई होता है, चकोतरा खट्टा है ये। यही चकोतरे खट्टे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये भी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखिए दोस्तों अनार गल ये चकोतरा को हम पास से दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये है चकोतरा खट्टा। एक खट्टे का वेट होता है लगभग लगभग आपका 2 केजी, पर हमने मार्केट में अभी तक चकोतरा देखा नहीं है। ये देखिए छोटा नींबू का पेड़, पर इसमें पत्ते कम नींबू ज़्यादा हैं, और ये 2 साल का पौधा है तो इसमें बहुत सारे लगभग लगभग 2 किलो के करीब नींबू लगे हुए हैं, और ये 12 मासी नींबू हैं, 12 मास में लगे रहते हैं। ये देखिए अगेन इलायची केला, बहुत ही हेल्दी होता है ये हेल्थ वाइज। ये देखिए केला, इलायची केला हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये देखिए केले ऊपर ही पके हुए हैं दोस्तों। ये देखो हम यहाँ से एक केला निकालते हैं और देखते हैं दोस्तों, ये देखिए हमने केला निकाला और वो देखो कितना अच्छा है। तो दोस्तों हम इसको खाने की ट्राई करेंगे, बहुत ही शानदार स्वाद है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही ताज़ा स्वाद, एकदम चीनी से मीठा, एक बार आप भी जरूर खाइए इलायची केला, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये मक्का, अनार, और ये अरबी, और ये देखिए। तो दोस्तों नींबू, और ये देखिए हिमाचल का क्लाउड वेदर दोस्तों। और भी इस तरह की जानकारी और वीडियो के लिए प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए दोस्तों। हम फिर एक बार आपके साथ एडवेंचर और इसी तरह को कि नेचर एक्सप्लोरेशन थिंग्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये हमारे सामने ये हमारे पास आड़ू का पौधा है, इतना बड़ा देखिए। चलो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल।